खबर धौलपुर से। धौलपुर स्टेशन छोड़कर मध्य प्रदेश के मुरैना की ओर जा रही उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस के एक ऐसी कोच में आग लग गई है। कोच से आग की लपटे उठते देख मुरैना जिले के हैतमपुर स्टेशन के पास ट्रेन को खड़ा कर दिया गया। ट्रेन रुकते ही मौके पर मौजूद जीआरपी और आरपीएफ के स्टाफ ने यात्रियों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उनका सामान उसी में रह गया। आग लगने से ऐसी कोच की 3 बोगियां धू धू कर जल गई। फायर कर्मियों ने दो गाड़ी पानी फेंक कर आग पर काबू पाया। इस आगजनी में यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। रेलवे प्रशासन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस उधमपुर से रवाना होकर धौलपुर स्टेशन पर पहुंची। धौलपुर स्टेशन छोड़ने के बाद ट्रेन तेजी से मध्य प्रदेश मुरैना जिले की सीमा में प्रवेश करते हुए हितमपुर स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, तभी ऐसी कोच से चिंगारी उठने लगी। कोच में आग लगने की खबर लगते ही सवारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे स्टाफ की सूचना पर चालक ने हितमपुर स्टेशन से पहले ही ट्रेन को खड़ा कर दिया। इसके बाद जीआरपी आरपीएफ के साथ पुलिस और फायर स्टेशन को खबर दी। देखते ही देखते आग एक दूसरे और ट्रेन के तीसरे कोच तक पहुंच गई। मौके पर दूसरे रेलवे स्टाफ के साथ जीआरपी व आरपीएफ के जवानों ने एक एक ट्रेन में 3 एसी कोचों में सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान उनका सामान ट्रेन में ही छूट गया। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक ट्रेन की 3 बोगियां धू धू कर जलने लगी। इस आगजनी में यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस आगजनी में ट्रेन के एसी कोच की 3 बोगियां जल गई है। साफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। अगर इसे जरा भी चूक हो जाती तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। मौके पर मौजूद स्टाफ ने 3 बोगियों पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आप कहां से कहां सफर कर रहे थे? दिल्ली से बिलासपुर। अच्छा, मतलब किस तरह से आपने देखा धुआं था, फिर कैसे कर था? तो और जो पीछे के लोग थे, मेरा छठा केबिन था, जो एक दो वाले थे उनको पहले पता रहे, 2-3 वालों को, वो सामान लेके निकल गए। और हमें जब तक पता लगा तो हमें लगा कि थोड़ा धुआं है, तो हम सामान नहीं निकाल पाए और हम जान बचाने के लिए निकल गए। बाद में तेज़ी से धुआँ भर गया, हम अंदर जाने। किस तरह का मंजर था सर जब आग लगी थी, तब आप उसके अंदर? पहले तो आग बहुत हल्की थी, लेकिन धुआं बहुत हो गया था। उसके बाद में आग बहुत तेज़ी से फैल गई, क्योंकि यात्रियों का सामान था, जलने लगा तो आग बढ़ गई। आग बढ़ाने का कोई इंतजाम वहाँ नहीं था। कोशिश की, वो पुराने सिलेंडर थे, थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन फायर टेंडर बहुत देर में आए तो उनको पानी नहीं मिला। जब तक कोशिश की, हमारा सारा गिर चुका है, हमें जाना था, अब यह नहीं जान पाए। सर आपका नाम क्या है? महूस कुमार गुप्ता। निवासी? निवासी, निवासी दिल्ली से आए। तो शुरुआत के डिब्बे में सामान नहीं कर पाया हुआ, उन्होंने यहाँ स्टेशन पे गाड़ी जैसे ही रुकाई और उसके बाद जो है सवारियों को अलर्ट किया, और उसके बाद जो डब्बे थे दोनों को जहाँ जिसमें आग जमी, मतलब इसमें ऊपर से ऊपर की तरफ होती गई, तो तत्काल सवारियों को कुछ आग बता रहे हैं इतनी भीषण थी कि उसमें जो रेगजीन में ऊपर से लगती हुई गई, तो सवारियों को तत्काल निकाला गया और उनका पीछे वाला डब्बा था उसको भी खाली कराया गया और ट्रेन से इनको डिस्कनेक्ट कराया गया। ग्रामीण जन भी काफ़ी संख्या में यहाँ आ गए थे, उनके द्वारा जो है काफ़ी लोगों की जो है मदद की गई। एक डब्बे का जो यात्री थी उनका सामान जो है पूरी तरह जल गया है, क्योंकि कोई हताहत नहीं है, जनहानि कोई नहीं हुई है। टीटी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सभी सवारियाँ जितनी 40 की 45 की थी, वो सब जिन्होंने काम कर लिया है और वो अपने ट्रेन में आ